हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ ब्लड इन किडनीज। तो हम बताएंगे यहाँ पर कि किडनी में ब्लड का फ्लो कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले तो एब्डोमिनल aorta होता है जो हर्ट से ब्लड लेकर आता है। उसके बाद रीनल आर्टरी, किडनी की जो आर्टरीज होती हैं उनको रीनल आर्टरी कहते हैं। उसके बाद ब्लड आता है सेगमेंटल आर्टरीज में, रीनल आर्टरी सेगमेंट्स बना लेती हैं। उसके बाद इंटरलोबार आर्कुएट, तो इन सब के बारे में मैं अभी डायग्राम्स के साथ आपको बताऊंगी। उसके बाद किडनी में जब वो एंटर होता है तो एफरेंट आर्टेरियोल में एंटर होता है। ये किडनी के स्ट्रक्चर्स हैं, एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, एफरेंट आर्टेरियोल, वासा रेक्टा। उसके बाद सेम होता है इंटरलोबुलर वेन, जब वापस आता है ब्लड आता है इंटरलोबुलर आर्कुएट, इंटरलोबार सेगमेंटल एंड रीनल। तो बताते हैं कैसे आता है। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। देखिए, ये मैंने जो है मेडुला का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। अब हम बनाएंगे नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन बना लेते हैं यहाँ पर मेडुलरी पिरामिड्स के ऊपर। ओके, नाउ वी हैव टू मेक रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी बनाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ रीनल आर्टरी ड्रॉ कर ली है। अब हम बनाते हैं रीनल वेन, एक रीनल आर्टरी के साथ साथ। देखिए, मैंने रीनल वेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। उसके साथ साथ हमारे नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स के आगे वासरेक्टा और पेरिटुबुलर ब्लड कैपिलरीज ड्रॉ कर दिए हैं। तो ये है हमारा एब्डोमिनल aorta। एब्डोमिनल aorta से ब्लड कहाँ आ रहा है? रीनल आर्टरीज में। ओके, ये हो गई रीनल आर्टरी, मतलब किडनी में एंटर हो गया ब्लड, तो हो गई रीनल आर्टरी। उसके बाद अब वो सेगमेंट्स बना लेगा, इसे जिसे हम कहेंगे सेगमेंटल आर्टरी। ओके, सेगमेंट्स बना लिए। उसके बाद इंटरलोबार आर्टरी, ये जो है नेफ्रॉन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में से गुजरेगा, जिसे हम कहेंगे इंटरलोबार आर्टरी। उसके बाद ये आर्क टाइप स्ट्रक्चर बना लेगा, एक ये आर्क जैसी शेप है मुड़ी हुई, जिसे हम कहेंगे आर्कुएट आर्टरी। अब यहाँ से लेकर जब तक ये एक नेफ्रॉन्स तक पहुँचेगा, वहाँ तक के एरिया को हम कहेंगे इंटरलोबुलर आर्टरी। ओके, इंटरलोबुलर आर्टरी के बाद ये पहुँचेगा एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस कैपिलरी, इफरेंट आर्टेरियोल। वहाँ से ये बैक आएगा ब्लड कहाँ पर? वासारेक्टा। वासारेक्टा में, पूरे वासारेक्टा में ब्लड पहुँच गया। अब यहाँ से ये बैक आएगा ब्लड, वापस आना है किडनी से इम्प्योर ब्लड जितना भी है। तो वो इम्प्योर ब्लड कैसे वापस आएगा? देखिए, सेम यहाँ से इंटरलोबार स्ट्रक्चर बनाएगा। तो क्या बनाएंगे हम? इंटरलोबार वेन बनाएंगे, जहाँ से ये ब्लड को बैक लेकर आएगी। ओके, इंटरलोबार वेन बना लेते हैं। इंटरलोबार वेन बनाने के बाद ये आर्क जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे हमने आर्टरी में बनाया था, सेम वैसा ही आर्क टाइप के स्ट्रक्चर बना लेता है। आर्कुएट आर्टरी कहते हैं जिसे। उसके बाद इंटर लोबार वेन, जो कि वापस लेकर आएगी ब्लड को। इंटरलोबार के बाद ये हमारी जो रीनल वेन थी वो सेगमेंट्स में ब्रेक हो रही थी। ओके, तो ये इंटरलोबार वेन कहाँ से मिल जा किससे मिल जाती है? सेगमेंटल आर्टरी से। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि किडनी बनाती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। देखिए, आप इसमें सबके नाम एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एंड आप इसका सबका नेम देखिएगा। आपको इसे, जैसे मैंने पहले बताया था, फ्लो ऑफ ब्लड, ये इस टाइप से ब्लड का फ्लो, एंड यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताया है। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी गाइस। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, एंड वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं।